मैरी क्रिसमस। पहले आप गाइए तू खींच मेरी फोटो, हाँ फिर मिलेगी। खींच मेरी फोटो, ऐसे ऐसे करके। वेरी गुड, सब तैयार है? अच्छा अभी नहीं खींची, अभी नहीं ये खींची। अजमा जी, मैंने उसे मोहतरमा का आपको भेजा है इंट्रो। तो सब लोग फोटो के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि फोटो के लिए सामने आ जाए। अच्छा बाद में कुछ लोग चले जाते हैं ना, फिर पिक्चर रह ठीक, जाते हैं। अभी अभी सेंटा के साथ चाहिए कि बिना सेंटा वाली चाहिए? सेंटा सेंटा मैं सेंटा के साथ चाहिए। आर वी रेडी? यस। एक मुझे चाहिए। देखो भाई, चलो खालिद साहब सेंटा रह वेट गए। वेट 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 अरे यार, मैं जैसे हाथ छोड़ूंगी फोटो खिंच जानी है। मैं हाथ पकड़ के, सेंटा की सॉक्स भी तो होनी चाहिए ना साथ में। खालिद साहब मुझे लगता है कैब कूप लेने चले गए। लेके आ रहे हो, जल्दी आओ ना फिर, ये मेरे हाथ थक गए, निकल जाना जे। हाथ निकल गए, मेरे हाथ थक गए। तीन तीन गिनन तक आ गीता जाओ। जी भी आ गई, तीन गीता गिनन जी तक भी आ गई, गीता जी आ भी आ गया, गई। गया गया हुआ हुआ हुआ। गीता जी भी आ गई। जरा सामने तो आओ गीता जी, तो भी फोटो में आओगे। ओ आज भाई, जिंदगी मैंने मेरे, मैंने ऊपर वो रखी हुई है, अब सारे गाओ जिंगल बेल, चलो जिंगल ठीक। जिंगल ओके बेल चले गाओ। जी, हियर वी गो। वेरी गुड, थैंक थैंक यू। गीता यू। चलो जी, हम शुरू करते हैं आज का सेशन। जी भाई, वेलकम एवरीवन टू ये द हमारे पैर पर ब्यूटीफुल। हमारे डॉग्स का भी जी। मीता जी सो वेलकम एवरीवन टू टुडेज ब्यूटीफुल इवनिंग। व्हाई आई कॉल इट ब्यूटीफुल, दो देर इज अ बिग स्टॉर्म आउटसाइड। बाहर बहुत बड़ा तूफान है, बहुत तेज हवा है, बारिश है, मौसम खराब कह देखो, रहे हैं लोग, पर ये एक इसमें भी एक अरे ब्यूटी है। तो आप प्लीज काइंडली म्यूट योरसेल्व्स। तो इसमें जो ब्यूटी है, उसका ब्यूटी ये है कि हम इन एडवर्सिटीज के साथ किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, किस तरह से स्ट्रांगली इनसे जूझ करके बाहर निकल के आते हैं, और किस तरह से इन एडवर्सिटीज के होते हुए अपने आप को यहाँ बिठाकर मॉडर्न विमेन काउंसिल की इस प्यारी सी महफिल में जोड़ के रखते। तो और खास तौर पे आज, क्योंकि ये रेंट ऑलमोस्ट हो चला है और आज की जो महफिल है वो बहुत खास है, हम इसको विदा देंगे म्यूजिकली। तो कहते हैं ना कि जहां लफ्ज खत्म हो जाते हैं वहां संगीत काम देता है। हाँ तो इस बात को लेते हुए हमने आज ये सोचा कि आज की इस महफिल, मॉल्टन वुमेन काउंसिल, मॉल्टन वुमेन काउंसिल जिसमें कि हम जानते हैं एम्पावर्ड वुमेन, एम्पावर्ड कम्युनिटीज, और एम्पावर्ड वुमेन के साथ उनकी फैमिलीज, फैमिली मेंबर्स और सबके सब की एम्पावरमेंट होती है, और हम सब डॉट्स हैं मॉल्टन वुमेन काउंसिल के। तो बहुत सारी हमने महफिलें सजाई हैं, बहुत सारे सेशंस हुए हैं, बहुत सारी नॉलेज, ज्ञान, ध्यान की बातें हमने की हैं, मीठी मीठी बातें भी की हैं। तो उनके साथ साथ हम इस पड़ाव पे आ गए हैं कि 2022 को हमने अलविदा कहना है। तो अब जब 2022 को अलविदा कहने बैठे हैं, तो थोड़ी सी बात करते हैं हम, छोटी सी एक, जैसे कि मैं अक्सर कहती होती हूँ कि जिंदगी की बात करते हैं, मोहब्बतों की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि मोहब्बतें जो होती हैं ना, वो हमारे हमारे साथ हर पल रहती हैं और हमारे साथ ही जाती हैं। तो इसलिए मोहब्बतों की बात करते करते तो एक मुझे बात याद आ गई कि देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हम जिंदगी की और मोहब्बतों की बात करते हैं तो हम एक हो जाते हैं, मोहब्बतें हमें एक साथ जोड़ देती हैं, और उन मोहब्बतों में सबसे प्यारा रिश्ता जो है, मुझे ऐसे लगता है, वो है म्यूजिक का। संगीत, म्यूजिक, मौसीकी और जो सुर, ये जो है ना, ये हमारा सबसे ज्यादा ऐसा रिश्ता है जो हमको एक दूसरे के बहुत करीब लेके आता है और बहुत बहुत मोहब्बतें देता है। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन इन टूडेज सेशन, एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग देयर।
और हम आज की महफिल, आज की इस खास जो एक संगीतिक म्यूजिकल इवनिंग की शुरुआत करेंगे, उस खुदा को, परवरदिगार को, ईश्वर को, वाहिगुरु को, अल्लाह को शुक्र करते हुए करेंगे, उनका धन्यवाद करते हुए करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी नरेंद्र जी से कि वो सबसे पहले एक जो उन्होंने शब्द हमारे लिए तैयार किया है वो सुनाएंगे। दिस इज अ डिफरेंट कलर, नरेंद्र जी का अलग रंग हम देख रहे हैं। तो आज हम शब्द से शुरुआत करते हैं, बीच बीच में हम बातें भी करते रहेंगे और साथ साथ गाते रहेंगे, सुनते रहेंगे। जी मैं बीच बीच में बदलती जाऊंगी। ठीक है, अब ये हमारा 22 जा रहा है, इसको हम खुशी खुशी बिता कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि जो 23 है, 2023 वो बहुत अच्छा हो और हम सब आपस में मिलें, खुशियां मनाएं और सब ठीक रहें, भगवान हमारे प्रभाव दे के रक्षा करे। तो इसी लिए मैं एक शब्द पढ़ रही हूँ, तभी मैंने इसे ढका। I'm ready. राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्यामी, राखा उठत सुखिया बैठत सुखिया, पौन लागे जल ऐसे बुझिया, राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्यामी, राखा एक सोए चिंता जागे चिंता, जहां कहां प्रभु तू बरतनता, रखा हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्यामी, खाए घर सुख बसिया बाहर सुख बसिया, कह नानक गुरु मंत्र दड़ाया, घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, कह नानक दड़ाया, राखाए हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्यामी, राखाए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटिफुल बिगिनिंग, थैंक यू। सो जिनको अगर नहीं थोड़ा सा भी समझ आयो तो बड़ा सिंपल है कि हम हमेशा उन्हीं के सहारे जिंदा हैं, उस ऊपर वाले के, एंड वही हमारे रक्षा करने वाले हैं, हमारी जो मदद करने वाले हैं, हमको बचाने वाले हैं तकलीफों से, तो वो सभी जगह खुद मौजूद है। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी एंड वेलकम अफशीन। वेलकम। सो बहुत अच्छी शुरुआत, और मैं पहले बताना भूल गई थी कि हम वैसे देख तो लिया ही है, हम लोग नोट तो करते ही हैं कि हमारी ये जो सेशन है आज का रिकॉर्ड भी होता है और फेसबुक पे लाइव भी होता है, तो ये हम सबको पता हो। तो अब हम चलते हैं एक और तरफ, किसी की तरफ, बाकी हम करते रहेंगे बीच बीच में। कमला जी आपने भी भजन बोलना ना, तो आज आपको सरप्राइज देंगी कमला जी अपने भजन सिंगिंग से। यस, आओ कमला जी, कमला जी आजो आजो, कैमरा ऑन नहीं है आपका। कर हाँ करो, नहीं हो रहा, नहीं अभी तो आ रही थी आपकी वीडियो। हाँ अभी बाल्टी है तो कुछ गड़बड़ हो गई।
देखती हूँ एक मिनट, कोनी कोनी आराम से कर लो, आराम से कर लो। तो मीन टाइम मैं आई है, चलो ठीक है आ जाओ जी, वेलकम। नमस्कार, ऑल द बेस्ट। एंड पुराना साल गया है, अच्छा बीता, आगे बहुत अच्छा रहे सबके लिए, ऑल द बेस्ट विशेस। मेरा भजन है आशरा इस जहां का मिले ना मिले, आशरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है, इस मन की बदलती यही चाल है, इस मन की बदलती यही चाल है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पे मुसीबत है अब तो संभाल, हर कदम पे मुसीबत है अब तो संभाल। पैर मेरे थके वो चले ना चले, पैर मेरे थके वो चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, जग में खुशियां हैं कम, जग में खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जग में खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जहां देखो वही है भरम ही भरम, जहां देखो वहां है भरम ही भरम। इस जहां की खुशियां मिले ना मिले, इस जहां की खुशियां मिले ना मिले, मुझके श्वासों में सिमरन तेरा चाहिए, मुझको श्वासों में सिमरन तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा। एक तेरा ही द्वार प्रभु मेरा आधार, एक तेरा ही द्वार प्रभु मेरा आधार, बिन तेरे जहां में नहीं कोई सार, बिन तेरे जहां में नहीं कोई सार, और कोई सहारा मिले ना मिले, और कोई सहारा मिले ना मिले, मुझको तेरा दवारा सदा चाहिए, मुझको तेरा दवारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का
मिले ना मिले आसरा इस जहां का, मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सो स्वीट, बहुत बहुत प्यारा और बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस। कमाल कमला जी, क्या बात है जी। उस्मा जी, कमला जी, अभी जो आपने ये आपने भजन गाया, हाँ जी, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे हमद या नात पढ़ी जाती है, मैं यही कहने वाली, इस्लामिक उसमें अगर सुने तो लग रहा था वही ट्यून भी वैसी, वर्डिंग भी वैसी, तो कोई कोई फर्क नहीं है। मैं यही सोच रही थी, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत, और पहली दफा मैंने आपको सुना। थैंक यू सो मच हमारे साथ। मित्र जी ने उद्यम दिया था कुछ बोलो तो हमने कहा भी थोड़ा निकलना ही चाहिए मैदान में। थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल, और ये खजाने बाहर निकल के आने चाहिए ना, हम सबको ये पता लगना चाहिए, ऐसी क्या बात है, अच्छी अच्छी चीजें। तो अब हम थोड़ा रंग भी बदल देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भक्ति भाव भी थोड़ा सा हो जाता है ना, ऐसे लगता है ज्यादा ही भक्ति कर रहे हैं, विराग में जा रहे हैं, हाँ विराग में ना चले जाएं। तो अब हम जुब्दा की तरफ रुख करते हैं। जुब्दा बड़ा प्यारा ब्लू ब्राइट ब्लू कलर पहन के आई है, मजा आ गया। चलो जुब्दा, उससे पहले मुझे, हाँ जी खालिद जी, क्योंकि क्रिसमस का त्योहार है, राम रहीम खुदा भगवान साहब एक ही हैं। जस्ट अ मिनट, सॉरी, हेलो, दैट्स सो क्यूट। तो जुब्दा की तरफ ही चले जाओ। जुब्दा आप पहले मुझे फजाला और रिंतु जी को कहना था ना, पहले गाती हूं। मैं तो बहुत, मैं आराम से, मेरे तो भी आज बारी है। क्या बात है, मैं तो सिर्फ रंग बदल रही हूँ। नो प्रॉब्लम, बारी की कोई बात नहीं। खालिद जी, आप खालिद जी अगर आप बोल रहे हैं तो आप म्यूटेड हैं, अगर आप बोल रहे हैं खालिद साहब तो आप म्यूटेड हैं, उनको रिक्वेस्ट भेजो। ये मेरा, ये मैं हाथ पांव मार लेता हूँ उर्दू इंग्लिश पंजाबी में, तो भी इंग्लिश की मैं एक पोइम का सिर्फ वो एक पोर्शन मैंने जो मैंने लिखा है वो मैंने आपको लिख दिया है, सब देख ही लेंगे। तो उर्दू में ये हमद या कैरल या गीत या नात, जिसको भी जैसा भी, या भजन जैसा भी कह लें, तो उसमें यूं है, शीशे की तरह कायनात नजर आई, शीशे की तरह कायनात नजर आई, जो बात पोशीदा थी वो बात नजर आई। In accordance to our faith, so God had changed his own face, human being, and he came down on the earth in shape of Lord Jesus Christ, our Savior. So that's why, jo baat shida thi, wo baat nazar aayi, देखा जो गडरियों ने, देखा तो क्या देखा। जो लोग कॉन्वेंट्स में पढ़े हुए या क्रिश्चियन स्कूल्स में या इनके एनवायरमेंट एंड फ्रेंडशिप क्रिश्चियंस में है, तो उनको पता होगा कि वो चरनी सजती है, प्लेस होते हैं वहां पे, रखवाले अयाली चरवाहे होते हैं जहां पे जीसस की बर्थ हुई थी, तो उनको गडरिये बोलते हैं, कई आप जानते होंगे उर्दू हिंदी स्पीकिंग वाले। देखा जो गडरियों ने, देखा तो क्या देखा, आदम की सूरत में आदम का खुदा देखा, आदम की सूरत में आदम का खुदा देखा,
दोजात तुमसे अफजल, एक जात नजर आई जो बात शीदा थी वो बात नजर आई। दो मिनट और हैं जी मेरे आपके पास, क्योंकि मुझे उसमें गाने का हुक्म किया हुआ था, तो मैंने जो आज बर्थ क्राइस्ट है तो उसको हम क्रिसमस कहते हैं उनके आने को, तो उनको कितने साल हो गए के बाद 222 वर्षों के बाद 222 वर्षों के क्रिसमस को मनाने आए हैं कि कलामे मुकद्दस में यूं मरकूम है कि तेरा दिल मेरी हैकल है, यानी कि खुदा का घर, मस्जिद, मंदिर, चर्च, जो भी इसको बोल लें, तो हैकल बोलते हैं उसको, तो हैकले खुदावंदी दिल अपने में चरनी को सजाने आए हैं, 222 वर्षों के क्रिसमस को मनाने आए हैं। तो धरती पे चांद सितारों के खुश रंग खूब नजारों के, धरती पे चांद सितारों के खुश रंग खूब नजारों के हम दर्शन पाने आए हैं, जग को बतलाने आए हैं, हैकले खुदावंदी में चरनी को सजाने आए। और दूसरा बंद मतलब फाइनली है जी, क्योंकि ये गीत लिखा हुआ है तो ये क्वायर को दिया मैंने, उन्होंने तर्स तुरस बनाई गान। विलादत की ईद मनाकर हम, विलादत की ईद मनाकर हम, खालिद दीदे यसु की पाकर हम, विलादत की ईद मनाकर हम, खालिद दीद यसु की पाकर हम, ये खबर फैलाने आए हैं हम, धूम मचाने आए हैं, ये खबर फैलाने आए हैं हम, धूम मचाने आए हैं, हैकले खुदावंदी दिल अपने में चरनी को सजाने आए हैं, बाद 222 वर्षों के क्रिसमस को मनाने। बहुत खूब जी, बहुत खूब, वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। और यस, विलादत बर्थ सबको बहुत बहुत मुबारक जी, विलादत बर्थ। तो सब सो वी शैल हैव टू से, वी शैल हैव टू से टू डू मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, मैरी क्रिसमस। ये पॉइंट तो चलो जी, अब आप थैंक यू सो मच खालिद जी। शुभदा जी, आप बड़ी शायरा हैं, इसलिए मैंने आपसे पहले जरा अर्ज कर दिया कि आप बात करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए हम अब दावते सुखन देते हैं जुबदा को। दावते गायकी है, सुखन दावते गायकी। नूरजहां का था, आपने कहा था जी जी, तो यह है कि बहुत ना फास्ट है ना स्लो है। ओके, ठीक है, right. तो चलो हाँ जी। लट उलझी सुलझा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे, चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे, चाहे डसे सारी रात रे लट उलझी सुलझा जा रे बालम। पहले हमको छेड़ रही थी जुल्मी हवा मस्तानी, पहले हमको छेड़ रही थी जुल्मी हवा मस्तानी, मन की बत्तियां लिखने बैठी, मन की बत्तियां लिखने बैठी, जल गई ये दीवानी, बैरन लट क्या
तोड़ सकेगी बैरन लट क्या तोड़ सकेगी तेरा मेरा साथ रे लट उलझी सुलझा जा रे बालम आज ये मेरे मन को जलाए मेरी एक न माने आज ये मेरे मन को जलाए मेरी एक न माने कल ये तेरे बस में होगी कल ये तेरे बस में होगी बावरी ये ना जाने रे इस नटखट को सौ बल देना इस नटखट को सौ बल देना आए जो तेरे हाथ रे लट उलझी सुलझा जा रे बालम लट उलझी सुलझा जा रे बालम मैं ना लगाऊंगी हाथ रे चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे चाहे डसे सारी रात रे लट उलझी सुलझा जा रे बाल क्या बात है दुग्धा ये लास्ट में आके लट को उलझाया आपने इतना गाना काम करके बाद लट उलझाया लट उलझी सुलझा जा रे बाल मुझे कुछ याद आ गया था आज कौन सी थी ये बताओ मुझे कुछ याद आ गया था ये गाना मैंने कराची में एक शादी पे मेहंदी पे गाया था ऐसे पूरे एक्शन के साथ गाना था बस एकदम सडनली वो मेहंदी की रात याद आ गई तो फिर मैंने बस वही कर लिया तालियां बजा कर वेलकम करो पहले तो मोहिनी दीदी वेलकम तालियां तालियां जी उसमें क्या बोलती थी हिम्मत है कि वो आज आ गए हैं सो वी अप्रिशिएट मोहिनी दीदी अ लॉट मोहिनी दीदी ठीक हो बैठो अभी आपसे सुनते हैं क्रिसमस कैरल वो ठीक हो जाएंगे सुनेंगे ना रोटी तो उन्हें ठीक हो जाना तुसी चलो जी वेरी गुड थैंक यू जुब्दा मजे हो गए रंग लियाता भाई कमाल कर दिया आपने तो अब हम चलते हैं कुछ हम रंग बदलते हैं अब लैंग्वेज भी बदलते हैं ठीक है तो गीता जी हां जी आप रेडी हो अपने बांग्ला गान के साथ बांग्ला नहीं अच्छा संस्कृत में स्तोत्र बोलूंगी ओके ओके बोलिए बोलिए जी संस्कृत आप सबको समझ में आएगा मेरे को आती है संस्कृत पूरी जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीत पटांबर देहि पदम जय शंख गदाधर नील कलेवर पीत पटांबर देहि पदम जय चंदन चर्चित कुंडल मंडित कौस्तुभ शोभित देहि पदम जय पंकज लोचन मार विमोहन विखंडन देहि पदम जय वेणु निनादक
पदम जय धीर धुरंधर अद्भुत सुन धीर धुरं अद्भुत सुंदर सीमित सीमित पदम जय विश्व विमोहन मोहन संस्थिति कारण देहि पदम जय भक्त जनाश्रय नित्य सुखालय अंतिम बांधव पदम जय दुर्जय शासन केली परायन काली मदन देहि पदम जय नित्य निरामय दीन दयामय चिन्मय माधव देहि पदम जय पामर पावन धर्म परायन दानव सूदन देहि पदम जय वेद विदांबर गोपवधु प्रिय वृंदावन धन देहि पदम जय सत्य सनातन दुर्गति भंजन सचन रंजन देहि पदम जय सेवक वत्सल करुणा सागर वांछित पूरक देहि पदम जय पूत धरातल देव परात्पर सत्व गुणाकर देहि पदम जय गोकुल भूषण कंस निषूदन सात्वत जीवन जय योग परायण संस्कृति वारण ब्रह्म निरंजन देहि ये जो है ये मदन मोहन का मदन मोहन अष्टकम है। ये मदन मोहन की एक मूर्ति है जो कि भजन है अभी। ये भजन है पर ये एक कांड हुआ था। श्री कृष्ण स्वयं आके युद्ध लड़े थे भक्त के लिए। वो अभी भी है, वो मंदिर अभी भी है और वो बंगाल में है कलकत्ता के पास। ये है वहां पे विष्णुपुर बोल के एक जगह है। वो टेम्पल टाउन जैसे हमारा कोयम्बटूर है उस तरह विष्णुपुर में बहुत मंदिर है पर ये मंदिर विशेष है। ये मंदिर में ये इस स्तंभ में बता रहे हैं जो कृष्ण के क्या क्या विभूति है, क्या क्या है उनमें, क्या गुण है उसका व्याख्या किया है। उनकी उनकी आशीर्वाद के बगैर आप स्थिति नहीं हो सकता है। आपका जो दुनिया में आके जो स्थिति है जो कोई हम चाहते हैं उनको नहीं बुलाने से हमें नहीं मिल सकता है, उनको बुलाना ही पड़ता है। और वो आपका सरल प्रेम भाव भक्ति भाव से उनको आप जीत सकते हो। ये इसमें संस्कृत में लिखा है, मैं इसको पूरा ही बता सकती हूँ पर अभी तो टाइम कंस्ट्रेंट है इसलिए ठीक है। और विशेष रूप से यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे जो जाते हैं वहाँ पे जो भक्ति के साथ जाते हैं उनका वाकई में कुछ होता है। इट्स वेरी अनकॉमन थिंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड मैं रोमिला जी पूछना चाहती हूँ, रोमिला सिरा कौन है प्लीज अगर आप अपने आइडेंटिटी बता सकें। आप अगर कैमरा नहीं भी ऑन करना चाहते तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। थैंक यू।
I'm sorry, I'm not turning on the camera. क्योंकि मैं ना अभी बेड में हूँ, आज आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो आई वाज इन माय बेड. तो मैं आपको अपनी ड्रावनी शक्ल नहीं दिखाना चाह रही पहली दफा. वो हम डिसाइड करेंगे ड्रावनी है या नहीं, बाकी आपकी मर्जी है. नहीं, नेक्स्ट वीक में जब करूंगी. आप क्या हर हफ्ते मिलती हैं? जी जी जी. तो ये आप कहाँ से आए, किस ग्रुप से? मैं ना मिसेज सागर में हूँ, शशि टक्साली ने मेरे को आपका लिंक भेजा. काफी देर से तारीफ कर रही थी, मैंने कहा चलो आज तो मैं भूल जाती थी हमेशा, तो आज बेड में होने की वजह से याद रहा. मैंने कहा चलो आज देखते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मिल करके. वेलकम वेलकम. क्या एवरी वीक होते हैं या मंथ में एक दफा होता है, कैसा है आपका? नहीं, हम वीक में दो बार मिलते हैं जी, एक वीक में एक बार भी नहीं मिलते. अच्छा, दो दफा मिलते हो, सेम टाइमिंग्स है? नहीं, वेंसडे को हम 4 to 6 होते हैं. अच्छा जी. और ये अच्छा. हमारी मॉल्टन वुमेन काउंसिल की हमारी मजलिस है, महफिल है हमारा, जिसको कहते हैं वेड़ा है हमारा, ये ग्रुप है, क्या कहें. नहीं, ग्रुप बहुत बढ़िया है आपका. थैंक यू सो मच. अभी जिन्होंने बोला बड़ा अच्छा, बांग्ला का चाहे समझ नहीं आया, पर म्यूजिक की जो कोई होती कोई लैंग्वेज नहीं होती. हाँ, संस्कृत बोली उन्होंने. तो म्यूजिक को उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया भी, दैट इज वेरी नाइस. जब आगे और देखते हैं कितना. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. रोमी इज अ सिंगर टू. ओह वाओ, रोमी इज अ एक्सीलेंट पर्सन. यू लाइवली, आई लाइक लाइवली पीपल, हैप्पी. Very good. Always, we have so much fun together, Romy and myself. We met Harjeet. Harjeet kahan gayi? So, but Romy is a really nice person. You will really. Thank you, Shashi. Thank you. Harjeet, that good. Harjeet, Shashi ka. Aap Romy se mile the na? Haan ji, mili thi. Haan ji. आप सबसे सुन ले, फिर कुछ ना कुछ सुना दूंगी. अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे. तो चलते हैं जी. अब हमने संस्कृत सुन ली, अब हम सूफी रंग लेते हैं रिंटू जी से, फिर आगे की तरफ और रंग दिखाएंगे. आज बड़े सारे रंग हैं हमारे पास. अरे वाह, अरे वाह, ऑल कलर्स ऑफ म्यूजिक. मीता जी पहले आई हैव अ पंजाबी सॉन्ग ऑफ नूर जहां. जी आप खालिद जी से सुन के फिर उसके बाद मैं सुनूं. नहीं, आप तो देखे बड़े फनकार बाद में आते हैं. नहीं, बाद में नहीं, बाद में नहीं. हां जी, ये आप क्योंकि कुछ कहना चाहते हैं. खालिद जी एक मिनट, इससे पहले कि हम आपकी तरफ जाएं, मोहिनी आंटी आपकी तबीयत कैसी है, आप कितनी देर हमारा प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं? पहले पूछने वाले थे मोहिनी दीदी, उनको पहले सुन लो जी, पहले उनसे सुन लेते हैं. मोहिनी आंटी अनम्यूट कीजिए. और नीता जी पहले सबको नमस्कार. स्वागतम स्वागतम सबको नमस्कार. हैप्पी हॉलीडेज. आई एम सो ग्लैड यू ऑल आर एंजॉयिंग. मेरा बच्चा, मेरा ग्रैंडसन आया है आज, कल दूसरे बच्चे भी आएंगे. तो ग्रैंडसन ने कहा, माँ, दादी माँ, यू ऑलवेज से यू गो ऑन द कंप्यूटर एंड सिंग. मैंने कहा ये क्रिसमस टाइम है, मैं तो हमेशा 50 साल से क्रिसमस कैरल्स गाती आ रही हूँ. ऊपर ऊपर से किताब उठा ला, क्रिसमस कैरल की जब बारी आएगी तो मैं क्रिसमस कैरल गा दूंगी. मैंने कहा ना कपड़े बदले हैं, ना बाल बदले हैं, ना मूड है. बोलते कोई बात नहीं, कैमरा ऑफ करके बात कर लेना, मगर आपने तो शक्ल देखी, बहुत अच्छे लग रहे हो आप, बहुत अच्छे लग रहे हो आप. और आपने बड़ा प्यारा रेड एंड ब्लैक पहना है. आप सुनाओ क्रिसमस कैरल सुनाओ. मोहिनी आंटी, हम सब आपको ना आपके क्रिसमस कैरल के बाद आपको दिल भेजेंगे, फिर आपकी फोटो भी लेंगे. तो क्रिसमस कैरल्स का कौन सा गाना सुनना है? जो आप सुना दोगे हमें. कौन सा कोई आती है? जिंगल बेल्स सुननी है? नहीं, जिंगल बेल्स सुननी है या साइलेंट नाइट सुनना है? जिंगल बेल सुना दो. वो ही समझ में आएगा, हम तो अंग्रेजी स्कूल में गए नहीं. नेक्स्ट टू बॉलीवुड की समझ में आ जाएगा. ये
मोहिनी दीदी सुर के बड़े पक्के हैं भाई, कमाल। हाँ। चार्ज के चार्ज। Dashing through the snow in one horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. अब ये एक सुनाऊंगे साइलेंट नाइट। साइलेंट नाइट होली नाइट, ऑल इज कम ऑल इज ब्राइट राउंड योर वर्ल्ड। ये नहीं, ये नहीं गाना। बोलो कौन सी गानी है? और याद आ गया। यस आपका ग्रैंडसन कौन सी फरमाइश कर रहा है? वो वही सुन। ही सेज दादी मां गुड। ओके, व्हिच वन यू आर सिंगिंग? लेट्स सी। अरे वाह, छाई पड़ी है मोहिनी दीदी। तो दीदी तुसी छाए पे हो, बोलो छाए पे हो, बोलो छाए पे हो। यस, या छाए रहो, बस छाए रहा करो। Santa Claus is coming to town. Hoy hoy. आ नहीं रहा। पकड़ में ना आ रहा। कोई और गाना सुना। सुबह मोहिनी जी की आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ और सुना दे ना। कैरल रहन दे हुन। हुन कुछ और सुना दे। और सुना दे, कोई गल नहीं, और सुनाओ। Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing alleluia, Christ the Savior is born, Christ the Savior is born, Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love pure light, radiant beams from thy face, with the dawn of redeeming grace, Jesus Lord at thy birth, Jesus Lord at thy birth. Wow, beautiful. Thank you. कमाल कर दी, देखा। अब हम उज्मा जी की बात सुनते हैं। अभी उज्मा जी कुछ कह रहे थे, अब हम हार्ट देते हैं और उज्मा जी की बात भी सुनते हैं साथ साथ। लो जी, बड़े सारे दिल। मैं ये कह रही थी कि सुबह मोहिनी आंटी की आवाज नहीं निकल रही थी। yes. तो बहुत पेन में हूँ, तो मैंने मशवरा दिया कि आप फिर एम्बुलेंस कॉल करके हॉस्पिटल चली जाए अगर आपकी तबीयत बहुत खराब है। असल में आंटी को ये चाहिए, ये चाहिए बस। नहीं, पोता आ गया ना अभी, इसलिए सब ठीक हो गया। नहीं नहीं, इनका तो इलाज संगीत है। मोहिनी आंटी, हम फोटो खींचने लगे हैं आपकी। मोहिनी जी, पोता दोता आने से हम लोग सब स्वस्थ हो। हार्ट भेजो, हार्ट भेजो, फोटो हो रही है, फोटो हो रही है। बिल्कुल, हाँ भाई।
मैंने लिपस्टिक नहीं पहना, क्या होगा? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. वो कहते हैं ना कि वन थिंग गुड अबाउट म्यूजिक इज दैट व्हेन इट हिट्स यू फील नो पेन. दीदी के ऊपर ये बिल्कुल फिट बैठती है कहावत जो है, ये सेइंग बनी हुई म्यूजिक की. तो म्यूजिक तो है ही ऐसी चीज. मोहिनी दीदी वेलकम अफशीन. अफशीन वुड यू लाइक टू सिंग कुछ गाओ? द लास्ट वन पहले. हाँ मोहिनी आंटी से सुन. अच्छा मोहिनी आंटी अभी सुना रहे हैं. वाह वाह मोहिनी दीदी सुनाओ. चलो मूड आ गया तभी ठीक हो गया. सेवन प्रोग्राम चल रहे तो ठीक ही रहे तो ये ठीक हो गई है. मेरे ना सिस्टर के परसों पूरा शोल्डर यहाँ पे बड़ी पेन थी, बस शो में शी वाज फाइन. ये चीज ही ऐसी है, स्टेज यू नो. जी मैंने दीदी आ जाओ. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who is naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees when you are sleeping, he knows when you are awake, he knows when you have become bad to be good for goodness sake. Oh, you better not watch, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Very good. Super awesome, super awesome, super awesome. आप लोगों की इजाजत हो तो मैं एक इंग्लिश प्रेयर सुना दूं, बहुत पसंद है. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw him, you would even wear it close. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then all the reindeers loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history. That's it. Very good. छा गए मोहिनी दीदी, आपने तो कहते हैं ना मुशायरा लूट लिया, पैसे लूट ली. थैंक यू मीता जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू जोगदा, गीता जी, कमला जी, रौनक रौनक लगा दिया. वेरी गुड. Very nice. चलो अब आप बैठो थोड़ी देर और लोगों को भी सुनो, ठीक है? हाँ जी सुनूंगी, अब सुनूंगी थोड़ी देर. अफशीन सुना रही हैं कुछ, अब सुनो अफशीन. देखो कितनी खूबसूरत हैं, अब इनकी आवाज भी बड़ी खूबसूरत है. देखो नीता जी, मुझे अपना कैमरा बंद करना होगा क्योंकि मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है अपना मोबाइल पे हूँ मैं. अच्छा, ताकि मैं वो कम्फर्टेबल हो के फिर आप लोगों को सुना सकूँ, तो मैं कैमरा ऑफ कर लेती हूँ. नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप रख लो ना उसको, रख लो मोबाइल को. नहीं रख सकते मोबाइल को, रख लेती हूँ मैं बस फिलहाल. कुछ टाइम नहीं कुल सिंग द वे आई वांट टू, लेकिन आपको छत नजर आएगी. अच्छा चलो ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे. यस सुना. ऑलराइट जी, एक मुझे याद आ रहा था रफी साहब का और लता का डुएट है, मुझे बहुत पसंद है. हाँ. लेकिन मैं उसका अंतरे से शुरू करना चाह रही हूँ अगर मैं इजाजत हो सबकी. जी 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 प्लीज.
हर एक फूल किसी याद सा महकता है, हर एक फूल किसी याद सा महकता है, तेरे ख्याल में जागी कोई फिजाई है, ये सब्ज पेड़ है या प्यार की दुआएं हैं, तू पास हो या नहीं फिर भी काबिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है, तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी, भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ब्यूटीफुल जी जान, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, तालियां, बहुत खूब बहुत सुंदर दिल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर जी, बहुत बढ़िया गाया, बहुत अच्छा आपसे, वेरी नाइस ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, फरमाइश है क्योंकि सब लोग बहुत ज्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस में गा रहे हैं, तो अगर आप भी एक बलोची टच दे दें हम लोगों को, चाहे दो लाइनें हो, यस यस यस, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ओके मैं ये बलोची गाती हैं या सिंधी गाती हैं आप? मैं बलोची बलोची गाती हूं, ये अफशी बलोच है, ये हमारी बलोच की शहजादी है बलोचिस्तान, जी मैं भी सोचती हूँ, क्योंकि मैंने बलोची का अरसे से गाया नहीं, लेकिन कुछ अरसे पहले मेरा एक रिकॉर्ड हुआ था, बट आई फॉरगॉट द लिरिक्स, मैं छोटा सा गा देती हूँ, प्लीज प्लीज, कंधे के ना कंदिनी मनी जैफे देला रंजिनी जाना, कंधे के ना कंदिनी मनी जैफे देला रंजिनी जाना, कंधे के ना कंदिनी ओ मनी जाना, जाने दीवाना महापरा शिंगिनी, कंधे के ना कंदिनी मनी जैफे देला रंजिनी जाना, कंधे के ना कंदिनी ओ मनी जानो जिगर जुरचे गोरा हबर, ओ मनी जानो जिगर सुरचे गोरा हबर, ओ मनी जाना ओ मनी जाना, जाने दीवाना महापरा शिंगिनी, कंधे के ना कंदिनी मनी जैफे दिला रंजिनी जाना, कंधे के ना कंदिनी क्या आवाज है आपकी अफशीन, क्या आपकी मिठास है,
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मजा ही आ गया, बहुत शुक्रिया आपका नवाजिश। जब अफशी गा रही थी तो गीता जी बड़े गौर से सुन रही थी, पर मुझे लग रहा था कि कहीं ये कोई बंगाली गाना तो नहीं गा रही है, ट्यून बंगाली गाना से मिल रहे वर्ड्स। यस, तो गीता जी अगर आप देखें इस वक्त कितनी डाइवर्सिटी है और कितनी सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, अगर हम सब लोग सिमिलैरिटीज पे फोकस करना शुरू कर दें तो बहुत से डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंस तो मन की बात है, अब मन में यदि अंधेरा लाओ तो डिफरेंस आएगा। तो मीता जी का बहुत शुक्रिया आज की इतनी प्यारी महफिल से जाने का, बैक टू यू मीता जी। थैंक यू और हम चलते हैं, अभी अभी हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटीज, बहुत सारा कुछ हमने सुनना है, तो अभी हम पंजाबी सुन लेते हैं, फिर हम एक और स्टेट में चलेंगे इंडिया की, ठीक है ना? लेट्स बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। बड़ा जबरदस्त आपको एक गीत सुनने मिलेगा आई एम श्योर। और खाली जी चलो आप सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास पंजाबी के सिंगर्स बहुत सारे हैं। हरजीत बैठी है, हरजीत वेट कर रही है अपनी टर्न की, बाबर कैमरा ऑन करती है। भूल गईया यादा मेरिया उबई मना, भूल ते नहीं गईया यादा मेरिया, मैं तू आप भी नहीं आया, नवा खत भी नहीं पाया, वे तू आप भी नहीं आया, नवा खत भी नहीं पाया, क्यों लाइया ने तू मही मेरे तेरिया भी पई मना, भूल ते नहीं गईया यादा मेरिया, ओ लिख दे आखिर विच जे तू नहीं आना वे, सजागी मैं भी खत फेर नहीं पौना वे, लिख दे आखिर विच जे तू नहीं आना वे, रुस जागी मैं भी खत फेर नहीं पौना वे, उथे खिलेगी चमेली जिथे मिलेगी सहेली, उथे खिलेगी चंबेली जिथे मिलेगी सहेली, गल्ला याद आने गिया तेरिया में बई मना, भूल ते नहीं गया यादा मेरिया वे बई मना, भूल ते नहीं गया यादा मेरी। बहुत खूब, और खालिद साहब आपकी मैं हिम्मत की दाद देती हूँ, हमारे यहाँ होता है कि रजिया गुंडों में, आज आप हैं यहाँ और पूरा पूरा साथ दे रहे हैं, हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो हमारे साथ जुड़े। माय लीडर, जब आपका दर्श ये है सिमिलैरिटी और इक्वलिटी का और ह्यूमन एंड वीमन डिग्निटी का, तो सर दैट्स व्हाई आई एम कंफर्टेबल इन ऑल बिटवीन ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। क्योंकि हम पाकिस्तान में माँ बहन बेटी सबकी समझी की तहरीक चलाते आए, तो अभी निदा फातिमा अगर आ जाती बीच में तो वो आपको बड़ी मजे की बातें बताती, मैंने आपको भेजा दिया उनका, she's author of four books। जी तो करेंगे उनसे भी बात, और मैंने देखा कि मीता जी के दरवाजा खुला फिर बंद हो गया, बैक टू यू मीता जी। तो यस यस, दरवाजा खुल और बंद हो रहा है और वहां से कोई ना कोई आ रहा है जा रहा है, तो आने वाले भी हैं। तो अगर हम इन द मीन टाइम, मैं फरजाना को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो रेडी हो जाए, कोई पश्तो का कुछ सुनाए हमें, और उससे पहले मैं हरजीत से सुनती हूँ। फरजाना आप रेडी हो जाओ, पश्तो का कुछ सुनेंगे प्लीज, आपसे कुछ भी सुनाना। जी हरजीत आ जाओ। मुझे शेर शायरी और वो गाना गाना अगर मैं वो सुनने के मकाम में बैठू कोई फर्क पड़ता है? क्या बोला आपने दोबारा? अगर मैं सुनने वालों में से हूँ तो नहीं।
खालसा भर के ले राशा। एक सेकंड, फर्क नहीं पड़ता, हमें बहुत खुशी है आप वहाँ बैठे हो, पर अगर आप कुछ सुनाओगे तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। आप सोच लो दो लाइनें चाहे सुनाना, ठीक है? तो इन द मीटम हरजीत को सुनते हैं हम, ठीक है? हरजीत सुना रही है, चले आज हरजीत। ओके सत श्री अकाल सारिआं नूं, सारे इन्ने टैलेंटेड इन्ने सोहणे गाण वाले इन्ने सुरीले गाण वाले, बड़ा मजा आ रहा सुन के। एक सेकंड हरजीत, सॉरी कमल जी, जी सुन लीजिए, कमल जीत सचदेवा जी फ्रॉम यूएसए, सॉरी। ओके जी, हां जी, हां शाबाश। मैं शिव कुमार उटालवी दा सॉन्ग है, रिसेंटली हुने मैं गाया भी सी। हां, नीक मेरी अख काशनी, नीक मेरी अख काशनी, दूजा रात दे नींदर ने मारिया नी, शीशे नू तरेड़ पै गई, वाल वांदी ने त्यान जदों मारिया नी, इक मेरी अख काशनी। इक मेरी सस नी बुरी, पैड़ी रोई दे किकर तो काली, गली कथी वीर पुन दी, नित देंदी मेरे मापे आनू गाली, नी केड़ा उस चंदरी दा, नी केड़ा उस चंदरी दा, मैं लाचियां दा बाग उजाड़िया नी, शीशे नू तरेड़ पै गई, वाल वांदी ने त्यान जदों मारिया नी, इक मेरी अख काशनी। दूजा मेरा द्योर निकड़ा, पैरा गोरिया रन्ना दा शौंकी, टुक टुक नेड़े बैठदा, रख सामने रंगीली चौंकी, नी ओदे कोलों डर दीने, नी ओदे कोलों डर दीने, अजे तीक कुंड ना उतारिया नी, शीशे नू तरेड़ पै गई, वाल वांदी ने त्यान जदों मारिया नी, इक मेरी अख काशनी। तीजा मेरा कंत जिवें रात चाननी दुध दा कटोरा, फिकड़े संदूरी रंग दा ओदे नैना च गुलाबी डोरा, नीको गल माड़ी ओस दी, नीको गल माड़ी ओस दी, लाई लगनू है मारे वगाड़िया नी, इक मेरी अख काशनी। दूजा रात दे नींदरे ने मारिया नी, शीशे नू तरेड़ पै गई, वाल वांदी ने त्यान जदों मारिया नी, इक मेरी अख काशनी। थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा है। व्हेनेवर वी सिंग पंजाबी वी ऑलवेज पे ट्रिब्यूट टू शिव कुमार बटालवी। इसका मतलब क्या, एक वुमन तो वो ओज है, दुख बोल रही है, औरत अपने घर में हस्बैंड के घर में जो दुख है उसका व्यायाम कर रही है ना, हाँ, दुख और रोमांटिक, इन रोमांटिक वे, इन रोमांटिक वे भी है, और वो बता रही है कि मेरे ऐसी किस्म किस तरह है, शी इज टेलिंग है, अच्छा आप बता दें, प्लीज टेल। काशनी मींस अ वुमन हु हैज ब्यूटीफुल आईज, एंड शी इज जैसे कि उसको शी इज गॉन टू हर इन लॉज हाउस, थोड़ा अभी न्यू उसकी शादी हुई है, तो वहां पे जाके वो अपने जो एक्सपीरियंस है वो बता रहे हैं। काशनी कलर जो है ना जुब्दा ने पहना हुआ है, हाँ जी, ब्लूइश ग्रीन, हाँ जी, यस यस, ऊपर भी, हाँ जी, दिस इज अ काशनी कलर, अ वुमन विद ब्यूटीफुल आईज, आते उसकी जाए, वो क्या कह रही है जरा मीनिंग बताइए थोड़ा सा। हाँ जी, वो कह रही है कि ये मेरे ना फैमिली में जैसे एक बड़ा है, एक सास है ना, मदर इन लॉ है और ब्रदर इन लॉ है, पहले तो मदर इन लॉ के बताती कि मेरी वो फीलिंग्स का ध्यान नहीं रख रही है ना, कि हर कोई जो व्हेन इन आवर कल्चर जो न्यूली मैरिड होता है ना, जो अरेंज मैरिजेस होती है उसमें सारा उसको जाके एडजस्ट करना पड़ता है ना, कैसे कैसे, फिर वो कहती कि वो मेरी हर बात में जो है वो फॉल्स, शी इज फाइंडिंग फॉल्स विद इन व्हाटएवर आई मैं करती हूँ, तो उसको बड़ा कहती कि नहीं, शी इज सच
ब्लैक वुमेन, क्योंकि मैं खड़ा कुछ बगाड़ा कि व्हाट आई हैव डन रॉन्ग विद हर, जो मेरे साथ वो ऐसा बिहेव कर रही है। फिर वो अपने वो देवर का जो बड़ा अच्छा रिलेशन होता है भाभी और उसका, थोड़ा सा शरारत वाला, थोड़ा सा मिस्टीवियस सा, वो कहती है इतना ही इज सो नॉटी, वेन एवर आई मूव हेयर एंड अराउंड हियर इन द हाउस एंड ही सिट्स इन फ्रंट ऑफ मी, ही जस्ट पास ही स्माइल्स एंड कहती है मैं आई आई फील सो शाई दैट आई पुटा माई घूंघट ऑन द वेल, उसने वो अभी तक मैंने उतारिया नहीं कि वो ऐसे मेरी शक्ल ना देखे ना। और एंड देन नंबर थ्री ही इज टॉकिंग अबाउट हर हस्बैंड कि ही इज सो ब्यूटीफुल एंड ही इज ही हैज अ वेरी ब्यूटीफुल फेस एंड बट कि व्हाट एवर हिज मदर सेज ही डज दैट एवरीथिंग इज फाइन बट ही इज जस्ट लाइक लाइलग आई थिंक व्हिच इज ओके राइट व्हिच इज वेरी नाइस इट वाज अ ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग थैंक यू सो मच जी वेलकम सो मच एंड थैंक यू जी थैंक यू पंजाबी इट्स पंजाबी जी इतना ज्यादा पंजाबी गाना था यही जानना चाहती हूँ अलग अलग जगह का हो रहा है ना अभी 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 हमारे पास मराठा महाराष्ट्र ची मुगली भी है अभी रुक जाओ अभी कमल जी कुछ सुनाएंगे क्योंकि उनको नीचे पार्टी पे जाना है अच्छा वो गाना गाए वेलकम कमल जी ये मेरे सिस्टर है सुनो गीता जी सुनो ये मेरे सिस्टर हैं यूएसए से आए हुए हैं उनको स्पेशल वेलकम मोस्ट वेलकम 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 कवल जी वेलकम तालियां बजाकर तालियां वेलकम वेलकम कवल जी ये नहीं बताती मीता कि मैं गायिका नहीं हूँ मैं गाती रही हूँ फिर भी मैं गा रही हूँ क्योंकि इतने अच्छे लोग बैठे हैं सामने तो क्या फर्क है मीता जी होंगे सब गाएंगे ठीक है जी हिंदी का गाना सुनाती हूँ छोटा सा क्योंकि अभी एंड ऑफ द ईयर है तो ऐसा लगता है कि जीना क्या है हमारे लिए मेरे लिए क्या मायने रखता है नहीं कल तो आपने बहुत अच्छे गाए थे बोलियां बड़ी अच्छी डाली थी थैंक यू हिंदी गा रहे हैं सुनो इसलिए अब हिंदी गाती हूँ आज मैं दो लाइन सुन हम सब म्यूट कर लेते हैं हिंदी है ठीक है जी चलो काइंडली ठीक है किसी की मुस्कुराहटों पे किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना किसी का नाम है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है माना अपनी जेब से फकीर है टन टना फिर भी यारो दिल के हम अमीर है टनाना माना अपनी जेब से फकीर है टन टना फिर भी यारो दिल के हम अमीर है मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी मिटे बाहर के लिए वो जिंदगी किसी को हो ना हो हमें है एतबार जीना इसी का नाम है जीना इसी का नाम है जीना इसी का नाम है जी धन्यवाद बहुत सुंदर गाय जी ये तो मॉडर्न विमेन काउंसिल का सॉन्ग है और आपने वही थैंक यू सो मच एवरीवन तो अभी हम अभी कमल जी बैठे हैं दो चार मिनट बैठोगे नहीं देख लो ग्राफ तो दो चार मिनट बैठेंगे हम अभी बड़ा एक प्यारा सा हमारे पास महाराष्ट्र की मुगली आप समझते हैं महाराष्ट्र की एक हमारे पास लड़की है बेटी है यहाँ पर तो हमारे लिए मराठी गाना गाएंगे क्या बात तो है? मैं संगीता से रिक्वेस्ट करती हूँ संगीता यू जस्ट स्विच्ड ऑफ योर वीडियो बट यू आर इन डिमांड हियर राइट नाउ संगीता संगीता आ जाओ जी ओह माय गॉड क्या बात है ओहो लवली डांस के साथ जो गाना होता है ओ, ये भी डांस ये बहुत जबरदस्त गाना है और आप सुनोगे तो आपको बहुत चीजें याद आएंगी चलो देखते हैं
एक्चुअली जब भी मीता जी ने कहा कि मुझे वो ये गाना सुनना है तो मैंने उनको कहा कि ये 1970s से पहले का गाना है और लता मंगेशकर की जो भाई है रुद्रनाथ मंगेशकर उन्होंने उसको स्वरबद्ध किया था और हेमंत कुमार जी उनके साथ गाए हैं मराठी में। हेमंत कुमार जी ने बहुत सारे मराठी गाने गाए हैं तो उसमें से एक है और मैंने उनसे ये मेमोरी शेयर करी थी क्योंकि जब मैं पहली क्लास में थी 1969-70 की बात है 69 की बात है कि जब टीचर पूछती है ना कि तुम्हाला कुठला गाना आवडतो ते बोला दैट्स व्हाई मतलब कौन सा गाना अच्छा लगता है। उस वक्त बच्चा है कुछ पता नहीं दूसरा कोई गा रहा है तो वही गा दिया। समीर गुप्ते नाम का एक लड़का था बहुत क्यूट सा तो उसने ये गाना गाया तो मैंने कहा ये मुझे भी यही पसंद है मैं भी यही गाती हूँ मैं पढ़ा यही गाती हूँ तो ये गाना वो है प्लीज वल्लभ रे नाथवा हो वल्लभ रे रामा वल्लभ रे नाथवा हो वल्लभ रे रामा मी डोल कर दरिया चाजा मी डोल कर दरियाचा राजा भर पाण्यामधी बंदराने करतो ये जा मी डोल कर दरियाचा राजा। अब सब सही मेरे साथ में वल्लव रे नाखवा हो वल्लव रे रामा सब अनम्यूट करिए आई बापाची लाडाची लेक मी लारी चोली पिवली गो नेसले अंजीरी सारी आई बापाची लाडाची लेक मी लारी चोली पिवली गो नेसले अंजीरी साडी माझ्या केसान गो मालेला फुलेला चाफा वसदर मलता वाऱ्यान करतय झेपा नथ नकात साजी रवानी गला भरून सोन्याचे मणी नथ नकान साजी रवानी गला भरून सोन्याचे मणी कोली वाड्याची मी गराणी रात पुन वेला नाचून करतय मोजा रात पुन वेला नाचून करते मोजा मी डोल कर दरियाचा राजा मी डोल कर दरियाचा राजा। अब सब गाइए मल्लिका गाती थी आगे चले जाते हुए वल्लभ रे नाखवा हो वल्लभ रे रामा वाह क्या बात है वेरी नाइस ये गाना मेरी बेटी केम किरोड़ीमल कॉलेज में गाती थी म्यूजिक सोसाइटी में तब के जो जिनका डेथ हुआ अभी वो भी गाता था तो आई नो देम फ्रॉम चाइल्डहुड ना बच्चों को देखा अप्रिशिएट संगीता फर्स्ट गीता जी चलो पहले रियली अप्रिशिएट आई एम वेरी नाइस रीलिविंग द मेमोरी पहले संगीता के लिए ताली बजाते हैं बहुत सुंदर हम मल्लिका के लिए ताली बजाते मुझे इसके मुझे इसका ना वर्डिंग्स बता दीजिएगा पता नहीं मल्लिका को याद है कि नहीं बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड मी डोलकर बोलो मी डोलकर ठीक है मी डोलकर आई कैन गेट इट इन दिस यस थैंक यू सो मच संगीता दैट वाज रियली बहुत अच्छा बहुत अच्छा संगीता ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया हाँ और देखो पूरा फुल ऑन ऐसे वो लॉन्ग ही तो उनका बहुत शादी में तो वही पहनते हैं ना वो लोग आई नॉर्मली वेयर ज्यादा से ज्यादा पहनती हूँ मेरी बेटी तो पूरी मतलब आज क्रिसमस पार्टी के लिए गई है लेकिन साड़ी पहन के गई है लेकिन मुझसे ज्यादा वो ज्यादा साड़ी पहनती है
सारी तरफ चल रहा था. थैंक यू कमल. थैंक यू सो मच. बहुत सुंदर. बहुत अच्छा संगीता. थैंक यू सो मच. और अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कमल जी जी तुसी को सुनाओगे. हाँ जी तुसी को सुनाओगे. तुसी पहला कमल जी क्या मैं समझी शायद मैंने कह रहे हो. कोई गल नहीं कमल जी ही है. हाँ चलो जी तुसी सुनाओ. मैं फिर पंजाबी गाना कोशिश कर दी. पंजाबी सुनाओ ना. असि ते इंटरनेशनल महफिल सजाई है जी. महरम दिलांद माहे मोड़ेगा कद महारा. महरम दिलांद माहे मोड़ेगा कद महारा. दिन रात तड़प देने दिन रात तड़प देने अरमान बेशुमारा. महरम दिलांदे माही मोड़ेगा कद मारा. यादां दे खंब लाके आईया पोड़ तेरे. यादां दे खंब लाके आईया पोड़ तेरे. सीने दी धड़कना चो सुन दिया बोल तेरे. तेरी ही याद अंदर तेरी याद अंदर मैं हर कड़ी गुजारा. महरम दिलांदे माही मोड़ेगा कद मारा. मेरे नसीब वांगू या रात दी सियाही. मेरे नसीब वांगू या रात दी सियाही. मेरी बेबसी दी देंदी पई दोहाई. गांदिया गीत अंदे गांदिया गीत अंदे लुटी तेरे प्यारा. महरम दिलांदे माही मोड़ेगा कद मोहारा. मोड़ेगा कद मारा. मोड़ेगा कद मारा. क्या बात है कमल जी जी. सरप्राइजिंग एंड सो गुड. क्या जबरदस्त गीत चुना. क्या गाया कमाल. वेरी वेरी क्लोज टू माई हर्ट एंड ही इज लिविंग अवे एंड आई एम वेटिंग फॉर हिम एंड आई एम आस्किंग आई एम रिक्वेस्टिंग हिम दैट व्हेन यू विल कम एंड हैव यू कम बैक. Come back, Muhara. Mudenga kad Muhara. Oh, I'm praying that she should be here. She's missing her husband, and she's missing. Yeah, so she's singing in his. Calling him. Please come. Missing his absence. Yes, बिल्कुल. तो चलिए फोजिया जी, अब आपकी बारी आती है. क्या सुनाती हैं? आप क्या सुनाती है? कुछ नहीं. खांसी करके बताती है. I don't have anything that I can sing at this time. Okay. But just listening to everyone and their beautiful
you know, melodies. And I was just telling my husband, like, everyone is such a trooper. Even just ki tabiyat theek nahi hai, wo phir bhi koshish karke they're participating. So I absolutely love being here. Thank you, Mita ji. So the impact that all of you guys are having on me, I just want to share a small poem. Maybe share that. And I hope that these words touch your heart, and I hope that you carry this with you into the new year. So you might think that you don't matter in the world, but because of you, someone has a favorite mug to drink their tea out of that you gave them. Someone hears a song on the radio and it reminds them of you. Someone has read a book you recommended to them and gotten lost in its pages. Someone remembers a joke that you told them and smiled to themselves on the bus. Never think that you don't have an impact. Your fingerprints can't be wiped away from the little marks of kindness that you've left behind. Beautiful. It really touched my heart. Yeah. Oh, I'm glad. Heart touching. Beautiful. No, beautiful. Yeah. I think those are really beautiful words. And I really wish that each of you remembers that going into the new year, that's the impact that you have just by showing up. That's Can the impact. Can you please share these lines in group also? Yeah, absolutely. I will. That's awesome. Thank you. I will. Thank you so much for these lines. Yeah. I want to end this majlis. End song will be Tagore song, which is about the last this year. Okay. So, main abhi Shashi ji se puchti hu agar wo kuch kehna chahte hain. Shashi ji, Romila ji, aap ready ho gaye hain? Romila ji, Shashi ji, aapko main invite kar rahi hu. Fatafat bataiye and Farzana. आप सुनना चाहेंगे? हाँ सुना ना रोमी से। हाँ क्या बात है। किताब हो रखे हैं। चल अबे। उनका प्यार भी हो जाना सीखा। ऑफ द कैमरा सीखे तो सी थोड़ा ज़्यादा मांगर हो जाना। अगली बारी सही। अच्छा चलो। है ना मौसम ऐसा ना है गया कि आज बाहर तक कोई निकल नहीं सकते but we can make it समा बांध देने थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। चलो ना करो करो ये समा समा है ये प्यार का किसी के इंतजार का दिल ना चुरा ले गए मेरा मौसम बहार का ये समा है ये प्यार का किसी के इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का ये समा बसने लगे आंखों में कुछ ऐसे सपने बसने लगे आंखों में कुछ ऐसे सपने कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने नैनों से अपने ये समा समा है दीदार का किसी के इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का ये समा मिल के ख्यालों में ही अपने बलम से मिलके ख्यालों में ही अपने बलम से नींद गवाली अपनी मैंने कसम से मैंने कसम
से समा समा है खुमार का किसी के इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का ये समा मैं तो हूँ सपनों के राजा की रानी मैं तो हूँ सपनों के राजा की रानी सच हो न जाए ये झूठी कहानी झूठी कहानी समा है इकरार का किसी के इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का ला 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 किसी के इंतजार का ठीक है पर फिर हूं अजे पता नहीं ना चल रहा पूरी तरह चलो कोई नेक्स्ट टाइम जरा अपना पूरा जलवा पूरा बिखेर देना ठीक है पूरा जलवा बिखेरेंगे चलो ठीक है ओके शशि जी आप कुछ कहना चाहते हो नहीं मैं कहना चाह रही हूँ आप गाओ मैं गाऊंगी आई एम वेटिंग फॉर योर्स एंड रिंटूस मैं तो गाती रहती हूँ ना मैं तो गाऊंगी अभी सुरजीत जी को भी सुनो सुरजीत जी है गुलनाज आप कुछ सुनाओगे गुलनाज कहाँ है गुलनाज है हमेशा ही ऐसे ही कहती है इतने एक्सपर्ट्स के होते हुए तो इसमें क्या है आपको यहाँ पे टेस्ट थोड़ी है कोई आई एम अ गुड लिसनर वी आर गेटिंग मेमोरी टुडे वी हैव टू हियर यू हम भी बैड लिसनर्स नहीं है एक्चुअली अब तो फौजिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि गुलनास वी हैव टू हियर यू दैट मींस वी हैव टू हियर यू गल खत्म चलो थोड़ा से कुछ सुना दो गुलनाज हम भी तो सुनाते हैं ना हमें भी पता है यहाँ पे माशाल्लाह बहुत बहुत मास्टर हैं हम भी सुनाई देते हैं बीच में हाँ नहीं नहीं आप बहुत अच्छा सुनाते हो और गुलनाज भी अच्छा सुनाएगी चलो गुलनाज वेट तैयारी कर रही है इतनी देर रमिंदर जी तुसी कुछ सुनाओगे रमिंदर जी नहीं मीता जी थैंक यू सो मच क्या तो सुन दे पहले रमिंदर जी बोले मीता जी तुहानू पता है मैनू गाना नहीं आंदा आंदा है ए ते मैनू पता है कि फिर भी गा लंदे हो आंदा देखो ए मैनू पता है कि तुहानू आंदा है पता मैनू की है ए मैनू पता है ए आंदा है चलो सुनाओ ना प्लीज आजो एना सोनी लाल चुन्नी पाई है हां ए ते कैसी लाल चुन्नी नहीं सर जाना नहीं चलो सारे गाओ फिर मेरे नाल चलो लो हेलो मैं पहले ही अनम्यूट कर लिया सी हां क्योंकि बोलिए सुना रहे ने हां क्योंकि मेरे कोलो आवाज जेडी है खराब हो जानी है ते तुसी ओनु चुक लेना इंटरनेशनल एंथम तो नहीं सुनाने लगे हां जी हां जी हां जी इतना ही है कुछ
काला डोरिया कुंडे न लड़ियाई ओ एक छोटा देव है पापी न लड़ियाई ओ काला डोरिया कुंडे न लड़ियाई ओ एक छोटा देव है पापी न लड़ियाई ओ नालड सोनिया तेरी इक पर जाई वे नालड सोनिया तेरी दूर बुलाई वे काला डोरिया बस इन्ना ही इन्ना बहुत कुकड़ी ओलनी जेड़ी कुड़कुड़ कर दौरे नहीं जाना सस बुड़बुड़ कर दी ए काला डोरिया कुंडे नाल लड़ियाई ओए छोटा देवरा भाभी नाल लड़ियाई ओए सुतना छीट दिया मुल्तानो आईया ने ससा अपनिया ने मावा अपनिया ने कमीजा सीख दिया हां जी हां जी बोलो अपनिया जी नरीजा लाइया ने काला डोरिया कुंडे नाल लड़ियाई ओए के छोटा देवरा भाभी नाल लड़ियाई ओए इसमें मैं एक ऐड कर देती हूँ मैं कुकड़ी ओ लैनी जड़ी अंडे अंडे तोरे नहीं जाना सस इसके मीनिंग बताने को नहीं कहेंगे शुक्र बताया मुझे एहसास कुरकुर होती है एक मिनट गुलनास गा रही थी एक मिनट गुलनास को पूरा सुनते हैं चलो गुलनास सुना गुलनास बस यही आते हैं सारे जो इन्होंने गा दिए हैं बहुत अच्छे याद करके रखूंगी मैंने ध्यान नहीं कभी भी दिया नहीं कोई नहीं बारी आने दो हां जी हां जी हेलो ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਨਜ਼ਮ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਫਟਾਫਟ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਫਟਾਫਟ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੂਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੂਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ बहुत अच्छी चलो जी उस्मा जी आपके हार्ट के साथ अब आपकी बारी है मेरे हार्ट के साथ मेरी बारी है ओके जी उस्मा जी आज वीडियो पढ़े बहुत अच्छा सी थले तीसरी लाइन को ऐड करती जी तो जैसे रमिंदर जी ने पढ़ा तो आप मैं भी अपनी ही शायरी पढ़ूंगी और ये इरशाद तो आज का मौसम आप सबको पता है कैसा है तो कुछ मौसम के हवाले से है
बड़ा जबरदस्त है। फिकर नहीं है मुझे बदलती ऋतुओं की, फिकर नहीं है मुझे बदलती ऋतुओं की, कि मैं अपने अंदर का मौसम ओढ़ के सो जाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। फिकर नहीं है मुझे बदलती ऋतुओं की, कि मैं अपने अंदर का मौसम ओढ़ के सो जाती हूँ। एक बात कहना चाह रही हूँ उज्मा के लिए, कि उज्मा वो सब कह रहे हैं ना एक और, तो उन्होंने कहा एक ही बात है, वो मुझे याद आ गया, कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की, लोहार की पड़ गई है। हाँ जी, उन्होंने हमें एक डाल दी है, बता दिया उज्मा ने। हाँ जी, बात तो उन्होंने साफ जाहिर कर, हाँ जी उन्होंने बता दिया जी। और क्या, बड़ा कुछ दिमाग के रोशन रोशनदान खुल गए सारे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। चलिए रिंटू जी आपकी बारी आ गई। अब रिंटू जी कह रहे हैं, मैंने कहा शायद मैं तो मैं दिख रही हूँ, मैं तो 5-6 बार आपको बुलाया, आप कहते हैं कोई बात नहीं, हमें तो मौका मिलना चाहिए गाने का, हम तो ऊपर जाकर ना मैं रिलैक्स करा, ऊपर आई मैं याद आई तो मैं अच्छा है ना, बढ़िया रिलैक्स हो गया। चलो थोड़ा जा डांग बदल देने, सुनाओ बढ़िया जी, वधिया होएगा कि नहीं होएगा, ऐसे क्यों नहीं, माइनस इन्ने सुरीले सुर निकलन ते वधिया हुंदे ने। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, तेरे पैरा च खीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। पहले तो ये बताओ उज्मा, आवाज आज ठीक थी, कैसी थी? ठीक है, बड़ी वधिया, आज तुसी भी ओ म्यूजिक चलाया। माइनस 10 में भी ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलता है, चलो। माइनस 10 बाहर टेंपरेचर है, माइनस 23 फील लाइक तो है ना, कम कम कभी तो होएगी ना, कोई बात नहीं। रिंटू जी पूछना चाह रही थी कि पिछली दफा जब ये गा रही थी, जैसी ऊंचे सुर में जाती थी तो आवाज हल्की हो जाती थी, इस दफा बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल स्केल ठीक है। तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे, तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे, माया पुल गया मैनू जग सारा वे, खुशी है हो मैनू सजना बतेरी, तू आना कोई होर मंग दी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी, तेरे पैरां च खीर होवे मेरी, तेरे पैरां च खीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी, तू मिलिया ते मिलेगी खुदाई वे, तू मिलिया ते मिलेगी खुदाई वे, हाथ जोड़ आँखा पावी ना जुदाई वे, मर जावांगी मैं मर जावांगी जे अख मेथों मोड़ी, दुआ ना कोई होर मंग दी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी,
तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी ए हो रब कोलो मंगिया दुआवा मैं ए हो रब कोलो मंगिया दुआवा मैं अल्लाह तेरी जाए मर जावा मैं बदर बनावी सड़के ना कोई होर मंग दी नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंग दी तेरे पैरा च अखीर होवे मेरी तेरे पैरा च अखीर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंग दी नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंग दी हाय दुआ ना कोई होर मंग दी वे दुआ ना कोई होर मंग दी जवांगी जे अख मैं तो फेरी दुआ ना कोई होर बीच में फोन आ गया था तो म्यूजिक बंद हो गया मैंने आपकी सारी लाइन मैंने वो ना वो आपने मिश्रा सानी छोड़ा था तो मैंने वो कंप्लीट किया सॉरी वेरी गुड थैंक यू बहुत खूबसूरत दुआ के साथ बहुत बढ़िया मिताजी सुनाओ जी जी फाजिया रिंटू जी यू नो व्हिच वन आई एम गोना रिक्वेस्ट के आप इसे सुना दे चलो मीता जी गाले फिर मैं गजल वो सुनाती बाद में सुना दे अच्छा ठीक है चलो ओके आई विल जस्ट सिंग क्योंकि ओके जिंदगी का एसेंस जुगनी ओ अलिफ अला चंबे दी पुटी ओ मेरे मुर्शद मन विच लाई हूं नफियस पात दा पानी पी के हरे जिसे पुटी लाई हूँ फिर मेरे अब जुगनी जी है वे अल्लाहिया जुगनी जी है वे अल्लाहिया जुगनी जी है वे मेरे पीर जुगनी जी है वे मेरे पीर जुगनी जी है वे मलाली वाली जुगनी जी है वे मलाली वाली जुगनी जी है वे सारे सब जुगनी जी है वे सारे सब जुगनी जी है वे नबी पाक की जुगनी जी है वे नबी पाक की जुगनी जी
ਖਾਲ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਕੁਝ ਨੀ ਨਿਗੁਣਾ ਬੰਦਿਆ ਨਾਲ ਚੁਗਣੀ ਥਾ ਕਈ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਕੁਝ ਨੀ ਨਿਭਣਾ ਬੰਦਿਆ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਸਾਬਤ ਸਿਦਕ ਮਾਲ Beautiful, 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 beautiful,
Beautiful. लगता है जुब्दा जी तो बाटी लुवारी फिर रहे थे पीर मक्की और दाता साहब के ना जी ना कमाल करता फाइनल कीता तो कमाल कीता है थैंक यू बहुत नहीं आया फिर भी मुझे लगा जो ईश्वर के गुनगा रहे बहुत खूब बिल्कुल सही समझ में अंदाज से क्लोजर दिया जी तो वेरी वेल प्लान बहुत अच्छी तरीके से मुझे पता है मीता जी ने जाना है तो ऑफिशियली हमारा हम प्रोग्राम को हमने कहा था आज 8 बजे से बल्कि पहले खत्म करेंगे लेकिन सब ऐसे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा लग रहा है तो जब तक आप लोग बैठे हमारा प्रोग्राम चलेगा लेकिन अगर आप इसे किसी को फरजाना से पहले सुन ले हम फरजाना को मैं जरूर सुनना चाहूंगी थैंक यू एवरीवन थैंक यू गुलनाज एंड गॉड ब्लेस एवरीवन बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों को हैप्पी हॉलीडेज नया साल मुबारक मेरी क्रिसमस और एक और बात मैं यहाँ पे जरूर शेयर करना चाहती हूँ इससे पहले कि हम चलें आगे कि हमारे जो 10वें पातशाह थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी उनका उनके पूरे परिवार की उनके जो साहिबजादे उनकी माता जी और सब की इस हफ्ते में ये पोक पोक के जो 9 दिन होते हैं इनमें जो उनका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया था और उनसे उनके जो बच्चे थे चारों साहिबजादे और उनसे बिछोड़ा मिला और बहुत ही सही उनके परिवार ने तो हम उनको भी जरूर याद करते हैं और उनकी शहादत को उनकी जो एक कुर्बानी है उनकी जो स्पिरिट थी एसेंस थी क्योंकि जुगनी भी एसेंस ऑफ लाइफ है तो उनकी एसेंस थी स्ट्रगल फॉर अदर्स स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अदर्स तो सबके लिए उन्होंने एक उसमें लड़ाई लड़ी और उसमें अपनी शहादत दी अपने आप को सेक्रीफाइस किया उनको भी याद करते हैं तो बड़ा जरूरी है उनका भी याद कर थैंक यू सो मच के बच्चों ने बंद बंद कटवा दिया और आई एम प्राउड ऑफ इट के मुझे 2007 में गुरु गोबिंद सिंह के 10वें पिताजी के जन्म दिहाड़े पे गुरु नानक जी की धर्म जन्मभूमि पे ननकाना साहब में मुझे सरोपा कृपान मिला हुआ है बिकॉज आई एम अ फाइटर ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम एंड फाइटिंग फॉर द डिप्रेस्ड एंड ऑप्रेस्ड रिलीजियस मिनोरिटीज इन पाकिस्तान दैट्स वे दे रिकग्नाइज माई सर्विसेज सिर्फ दो लाइन फाइनल है आप आगे जो हमारा ऑफिशियल था मैंने आपसे कहा कि वो खत्म हुआ है ताकि किसी ने जाना है तो वो ये ना समझे कि उन्हें बैठना है अनऑफिशियल चलता रहेगा रिंटू जी का है अभी गीता जी ने कहा कि उन्होंने भी टैगोर का सुनाना है अभी हम सबके अंदर के शायर गुलूकार सब निकलेंगे हम इधर ही है थैंक यू सो मच गुरु के भजन के बाद कुछ भजन नहीं होता तो अभी वो उनकी फरमाइश की गजल तो मैं जरूर 2-4 लाइनें और वो मेरे को लगता है कि जब भी हम लास्ट हम प्रोग्राम करते हैं ना जो नए साल का प्रोग्राम होता है उसका लास्ट में वो हमेशा उसी में खत्म होती है जाके अच्छा हाँ जी हाँ जी इरशाद जो न मिल सके वो ही बेवफा ये बड़ी अजीब सी बात है जो चला गया मुझे छोड़ कर वो ही आज तक मेरे साथ है जो न मिल सके वो ही बेवफा जो किसी नजर से अता हुई
वो ही रोशनी है ख्याल में, वो ना सके रहूं मुंतजर, ये खलिश कहाँ थी विशाल में, मेरी जुस्तजू को खबर नहीं, ना वो दिन रहे ना वो रात है, जो चला गया मुझे छोड़ कर, वो ही आज तक मेरे साथ है, जो ना मिल सके वो ही बेवफा, कर प्यार लंबे ना हो, ये किसी का नसीब है, ये करम है उसका जफा नहीं, वो जुदा भी रह कर करीब है, वो ही आँख है मेरी रूबरू, उसी हाथ में मेरा हाथ है, जो चला गया मुझे छोड़ कर, वो ही आज तक मेरे साथ है, जो न मिल सके वो ही बेवफा, मेरा नाम तक जो ना ले सके, जो मुझे करार न दे सका, जिसे इख्तियार तो था मगर मुझे अपना प्यार न दे सका, वो ही शख्स है मेरी तलाश है, वो ही दर्द मेरी हयात, जो चला गया मुझे छोड़ कर, वो ही आज तक मेरे साथ है, जो ना मिल सके वो ही रूबरू, जो ना मिल सके वो ही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़ कर, वो ही आज तक मेरे साथ है, वो ही आज तक मेरे साथ है, वो ही आज तक मेरे साथ। वाह ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। रिंटू जी किदी है? किदी है, मेनू नहीं पता, ये पाकिस्तान नूरजहां जी दी गाई हुई है, बाकी मेनू बड़ी प्यारी, मैं वही क्या बोलने के कई बारी पता है। बाय बाय एवरीवन, रियली खूबसूरत। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट ईयर। थैंक यू फॉर क्योंकि लोग जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा नेक्स्ट फ्राइडे सेशन नहीं होगा, हमारा वेंसडे का भी सेशन नहीं होगा, हमारा फ्राइडे का सेशन भी नहीं होगा। हम फ्राइडे को मिलेंगे जनवरी 6th को। तो रुमीला जी क्योंकि नहीं है, तो उन्हें मैं बता दूं कि हम 6 to 8 फ्राइडे को मिलते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने कहा था हम टाइम चेंज कर दें, अनफॉर्चुनेटली मार्च तक, क्योंकि हमारे प्रेजेंटर्स बुक हैं 6 to 8 के लिहाज से, एंड देयर प्रोफेशनल्स उससे पहले नहीं आ सकते। तो हम लोगों के जो सेशन है जनवरी का, हमारा थीम होगा फ्राइडे सेशन का, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ फ्राइडे को हम लेके आ रहे हैं, एंगर पे बात करेंगे।
एंगर मैनेजमेंट पे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एंगर पे बात करेंगे. जनवरी 6 को है अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ एंगर ऑन माइंड एंड बॉडी. आप नोट कर लीजिएगा. और जो रुमिला जी ने पूछा था कि गाने का, तो वो हमारा 20th January को होगा. रू से रू तक का वो है. फरजाना थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. इतनी देर आप सुनती रही, बैठी रही, थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन फॉर मेकिंग दिस डे सो मेमोरेबल. हम इस दुआ पे खत्म करते हैं कि हम ऐसे ही हंसी खुशी मिलते रहें, गाने गाते रहें, अच्छी अच्छी बातें करते रहें. आप लोगों की दुआओं पे नया साल शुरू करें. अगेन, जो आप लोगों के आइडियाज हैं मॉल्टन विमेन काउंसिल के प्रोग्राम्स को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, डू ईमेल मी कि ये मेरे प्लान्स हैं, ये मैं चाहती हूँ, इस तरह मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ मॉल्टन विमेन काउंसिल में. क्या कुछ आप लोग कर सकते हैं वो बताइए. जैसे शशि जी ने आज बहुत अच्छा रुमिला जी का एडिशन किया हमारे ग्रुप में, थैंक यू सो मच. तो ये छोटी छोटी सी चीजें जिसकी वजह से हम लोग डॉट बाय डॉट कर रहे हैं, हम लोग खिलते जाते हैं. पूरी कोशिश है. सो थैंक यू एवरीवन. जी फौजिया, आई नो यू वांटेड टू कमेंट ऑन रिंटू जी सॉन्ग, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दीज इंफॉर्मेशन. नो थैंक यू. शी नोज, मैंने काफी दफा आपसे रिक्वेस्ट किया एंड आई लव इट. बहुत खूब. आई जस्ट वांटेड टू शेयर टुडे माय हस्बैंड इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड जैसे खत्म हुआ है एंड आई हैव बीन हमिंग विद यू, तो वो मेरी तरफ देख के कहते हैं किसको याद कर रही हो. होता है, कुछ कुछ यादें आ जाती हैं पुरानी, ऐसी क्या बात है. मेरी आंटी की आंखों में भी पानी आ गया. तो हम नहीं हम हैप्पी नोट पे करते हैं खत्म. किसी मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके, किसी के वास्ते हैप्पी हॉलीडेज, मैरी क्रिसमस एंड थैंक यू. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू. थैंक यू. बाय.